आतिफ बुक्स दिख रहा है, इरफान पठान क्रिकेट में कुछ खास काम कर नहीं पाए तो वो राशिद के साथ मिलके भंगड़े डाल रहे हैं, भाई कुछ और काम भी कर लिया करो। कैसे यकीन भी, पहले पहले जिम्बाब्वे से आ रहे, पहले जिम्बाब्वे से और अब अफगानिस्तान से आ रही है, मतलब कि एंड हो गया, वर्ल्ड कप भी एंड हो गया, मेरे से नहीं होगा। खुद शॉक्ड हो गया था जब ये सीन देखा मैंने कि जीता तो अफगानिस्तान है, तो इरफान पठान का क्या काम बनता है कि वो साथ मिलकर डांस करे, यानी कि मेरी समझ में नहीं आया। टीवी शीवी तोड़ो पाकिस्तान में, नहीं टूटे हैं टीवी, आगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में इंडिया में जलील करके हम टीवी तोड़ते थे, अब हम आज टीवी तोड़े हैं, तोड़ो टीवी बहन दी सीरियाना दी। ये जनाजा निकालने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट को अगर वर्ल्ड कप में जाना था तो उससे बेहतर था कि पट्टा कर लेना चाहिए था। किस मुंह से मैं जो है वो इंडिया को ट्रोल करूं, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करूं, जब मेरी टीम और मेरे प्लेयर जो है वो इस तरह की गंदी शर्मनाक परफॉर्मेंस देंगे ग्राउंड में, मैं कैसे सपोर्ट करूंगा बैठा हुआ सोशल मीडिया पे। जय हिंद दोस्तों, अफगानिस्तान ने जब से पाकिस्तान को हराया तब से पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के लोगों की ऐसी जल उठी है, अब वो आलतू फालतू बयान दे रहे हैं, वो भी अफगानिस्तान के ऊपर नहीं इंडिया के ऊपर, और ऊपर से इरफान पठान ने भी उनकी जला दी है। जब अफगानिस्तान पाकिस्तान से जीत के ग्राउंड के चक्कर लगा रही थी तब इरफान पठान और राशिद खान ने एक साथ डांस किया, उसी पे पाकिस्तानी मीडिया ऐसे जल उठी है कि इरफान पठान के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोल रही है। वो तो इरफान पठान की मर्जी है कि वो किसी के साथ भी डांस कर सकते हैं। जब ये हैदराबाद में श्रीलंका के खिलाफ जीते थे, जब हैदराबाद में इनके नाम के नारे लग रहे थे पाकिस्तान पाकिस्तान, जब ये बड़े अच्छी तरह से इंडिया की तारीफ कर रहे थे, अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया है और वहीं भारत अफगानिस्तान की तारीफ कर रही है। इरफान पठान थोड़ा सा डांस क्या कर लिया, अब ये बुरा भला कह रहे हैं इंडिया को भी और इरफान पठान को भी। अब इनको पता चल गया कि ये वर्ल्ड कप से बाहर होने वाले हैं, इसलिए ये अनाप शनाप बोल रहे हैं। अब इनके मैच बड़े बड़े पड़े हैं, अभी इनको साउथ अफ्रीका के साथ खेलना है, अभी इनको इंग्लैंड के साथ खेलना है, न्यूजीलैंड के साथ खेलना है, इनको तो बांग्लादेश भी हराएगी देखना। तब ये पाकिस्तानी मीडिया भारत के बारे में बोलेगे कि भारत ने विकेट पाकिस्तान के अगेंस्ट बनाई है। ये कभी हार को एक्सेप्ट नहीं करते, ये सोचते हैं कि हम ही जीते, पर जीते को कैसे, यहाँ पर जिम्बाब्वे थोड़ी है, यहाँ पर नेपाल थोड़ी आ रही है खेलने, यहाँ पर बड़ी टीमें आई है खेलने, यहाँ तक कि छोटी टीमों ने भी तुम्हें लपेट लिया। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कहती है दोस्तों। आई एम सॉरी इंडियन फैंस, ये देखे मेरे हाथ है, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, माफ़ चाहता हूँ, अपोलॉजीज मेरी, आपकी टीम बहुत बड़ी टीम है, पाकिस्तान की टीम नहीं है बड़ी, हम लूजर्स हैं, हम लोग अफगानिस्तान से आ रहे हैं, हमें हमारी औकात पता चल गई है, आप लोग न्यूजीलैंड को भी हरा चुके हैं धर्मशाला में, उस प्रिडिक्शन के लिए भी सॉरी और आज के लिए भी सॉरी, क्योंकि जो हम लोग हैं हमारी औकात हमारे सामने है, किस मुंह से मैं जो है वो इंडिया को ट्रोल करूं, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करूं, जब मेरी टीम और मेरे प्लेयर जो है वो इस तरह की गंदी शर्मनाक परफॉर्मेंस देंगे ग्राउंड में, मैं कैसे सपोर्ट करूंगा बैठा हुआ सोशल मीडिया पे, लोग भी मुझे पागल बनाएंगे, करें इस वीडियो को शेयर, करें मेरे क्लिप्स लगाएं, पाकिस्तानी भी कमेंट करें, इंडियंस भी कमेंट करें, जितने लोग वीडियो शेयर कर सकते हैं करें और कमेंट करें, मैं सॉरी कहता हूं, ये मेरे हाथ है, उस इंडियन फैन को सॉरी कहता हूं जिसको मैंने ट्रोल किया, इसकी इंडियन टीम के प्लेयर को ट्रोल किया, अपनी पाकिस्तान टीम को गलत सपोर्ट किया, किसी पाकिस्तान प्लेयर को गलत सपोर्ट किया जो मेरिट पे सिलेक्ट नहीं हुआ था, जो वर्ल्ड कप खेल रहा था, आज उसको अपनी औकात पता चल गई है, जो लोग नहीं खेले ना ये मैच आज वाला अफगानिस्तान वाले वो सही रह गए, वो भी खेलते तो उनको भी पता चल जाता, उनकी सिलेक्शन भी खत्म हो जाती, लेकिन इंडियन प्लेयर्स रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, आप लोग बहुत बड़े प्लेयर्स हो यार, आप लोग मेरिट में आए हुए, आप लोगों की परफॉर्मेंसेस आपके सबके सामने है, ग्लोबली आपके सामने है, 2-2 करोड़ बंदा आपको देख रहा होता है हॉटस्टार पे, जियो सिनेमा पे, वो पागल नहीं है, वो सही देख रहा होता है, आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, आपका डोमेस्टिक क्रिकेट सिस्टम, आपकी आईपीएल, आपका स्ट्रक्चर क्रिकेट का वो बहुत अच्छा है, हम लोग तो मेरिट पे सिलेक्शन से नहीं करते, हम लोग करते हैं लिंक्स पे, सिफारिशों पे, ये सिलेक्शन है हमारी। देखिए ये डांस जो है ना, ये टीम का डांस नहीं था, ये दो कंट्रियों की मोहब्बत थी, एक इंडिया और अफगानिस्तान। देखिए हमें भी यही मोहब्बत हमारे तो क्यों, हमें भी अगर पीस के ऊपर काम करें, अच्छा क्रिकेट खेलें, अच्छा सिलसिला करें, अच्छी पॉलिसी लेके आए हम लोग, तो हम लोग भी इसमें बड़ा आगे जा सकते हैं, दुनिया हमारे साथ भी ऐसे सेलिब्रेट करे, और ये दो टीमों का मेरे ख्याल से सेलिब्रेट नहीं था, ये दो कंट्रीज का था और ये आपस में बड़ा प्यार है, और ये दो कंट्रीज से तीन और तीन से चार कंट्रीज की भी मोहब्बत हो सकती है, और वो तभी पॉसिबल है कि जब पाकिस्तान अपनी पॉलिटिक्स को, अपने मजहब को बिल्कुल साइड पे रखे, और जहां पे जो चीज पॉलिसीज अपनी जो सी है वो बेहतर करे, गेम में पॉलिटिक्स या मजहब को नहीं लाना चाहिए। हम कर नहीं पाए तो वो राशिद के साथ मिलके भंगड़े डाल रहे हैं, भाई कुछ और काम भी कर लिया करो, क्रिकेट में तो तुम्हारा करियर खत्म हो गया, तुम नाम वाम क्या बनाओगे अपना, भंगड़े डाल रहे हैं राशिद खान के साथ खड़े होकर, ये क्या चीज है कि ये कहते हैं कि जी हमें बुक्स नहीं है, पाकिस्तान बुक्स करता है, तो बुक्स तो दिख रहा है, किस खुशी में इरफान पठान को भंगड़े डालने का शौक है, तुम्हारे यहाँ बहुत सारे रियलिटी शोज में डांस वांस होता है, जाके नाच लिया करो, शौक पूरा कर लिया करो। मैच जो हारी है पाकिस्तानी टीम अफगानिस्तान से, तो इस बिना पर शेख रशीद को दिल का दौरा पड़ गया, शेख रशीद को दिल का दौरा पड़ा है, खबर ये आ रही है,
के उनके दिल में दर्द उठा है, जिसकी बिना पर जो है वो अस्पताल पहुंच चुके हैं, लेकिन उसकी वजूहत अब वो थप्पड़ है जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी कि जनाब थप्पड़ मारा गया, किसी ने कहा नहीं मारा, जो वो चिल्ला काट के आए हैं 40 दिन का उस वहां पर कुछ हुआ है, उस बिना पर उनकी हालत हो गई है, उस पे आते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, नहीं, अफगानिस्तान की हार के बिना पर शेख रशीद को दिल का दौरा नहीं पड़ा, लेकिन अफगानिस्तान से हारने के बिना पर कई एक पाकिस्तानियों को यकीन दिल के दौरे पड़ चुके हैं। कुछ भी हो उसका इल्जाम इंडिया पे डाल दो, हारे आप अफगानिस्तान से हो, हारे आप ऑस्ट्रेलिया से हो, हारते आप फिर इंडिया से हो, तो बात किसी और पे घुमा दो। ये एक्सपर्ट है इस चीज में, अब भी वही काम हो गया। अब पाकिस्तान हारा अफगानिस्तान से, क्रिकेट आपने बुरी खेली, अफगानिस्तान ने आपका घंटा बजाया, बाबर बकरी से कप्तानी नहीं हुई, बॉलिंग आपकी हुई नहीं, बैटिंग आपकी हुई नहीं, थर्ड क्लास की 2 टके की आप टीम हो। अब आप क्रिकेट पे फोकस करो, क्रिकेट इंप्रूव करो, अपने आपको अच्छा करो, बेटर करो, सच बोलो, तो भाई पाकिस्तानी अवाम का जो है इल्जाम लगाना इंडिया पे शुरू हो गया। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन भाई, आज हमने वर्ल्ड कप जीता है, भिखारियों से तो जीते ही जीते हैं, वर्ल्ड कप जीता है, भिखारियों को घुसा के हम वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, हमने भिखारियों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, हम जीत गए भिखारियों से, लेकिन ये कब जीतेंगे हिंदुस्तान से, ये तो मुमकिन ही नहीं है। और भाई जय हो भारत माता की और हिंदुस्तान की जय हो। अच्छा, निकालने के लिए ये जनाजा निकालने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट को अगर वर्ल्ड कप में जाना था तो उससे बेहतर था कि पड्डा कर लेना चाहिए था। कहते ना एक ही दिल है, कितनी बार उस दिल को तोड़ेंगे। Totally humiliating loss that Pakistan has faced today.